तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो क्यों, एवरेज के ऊपर इस बाइक इस टॉपिक का टाइटल मैं डालूंगा हाउ टू मॉडिफाई हीरो ग्लैमर। देखो यार इस बाइक का मैं टॉपिक ये टाइटल डालने वाला हूँ, मैं थक गया थोड़ा बैठे बैठे, तो मैं ये डालने वाला हूँ। देखो क्यों, अब वो सब छोड़ो, मैं एक्चुअली में क्या है, देखो यार, देखो मेन चीज़ जो अब हमारी है वो है कि मतलब यार देखो ऐसा है कि हमारी जो बाइक है, हमारी बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। देखो एक प्रॉब्लम आती है तो वैसे काफ़ी सारी है, लेकिन एक ये काफ़ी चीज़ है। देखो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी बाइक ना एवरेज नहीं दे रही। भाई एवरेज नहीं दे रही, एवरेज नहीं दे रही, एवरेज नहीं दे रही, क्या हो क्या ये बहुत लोग बोलते हैं एवरेज नहीं दे रही। देखो पता है एवरेज क्यों नहीं देती हमारी बाइक, क्योंकि यार लोगों के अंदर ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो लोग पता क्या करते हैं, कभी भी अपनी बाइक को टॉप गियर पे नहीं चलाते। मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि लोग क्या कहते हैं थर्ड गियर पे अपनी बाइक को चलाते हैं। थर्ड गियर पे आपकी बाइक है और थर्ड गियर पे ही आपकी जो बाइक है ना वो 60-70 तक चली जाती है थर्ड गियर पे। अब मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा भाई तू ये इस तरीके से बाइक चलाएगा तो एवरेज कहाँ से देगी भाई, बाइक नहीं देगी बाइक एवरेज। आपको के पास कोई भी बाइक हो, बाइक होनी चाहिए, स्कूटी की बात नहीं कर रहा, स्कूटर की बात नहीं कर रहा, बाइक की बात करो, कोई भी बाइक हो, अगर आपकी स्पीड 30 से ज़्यादा हो गई, 30 से ज़्यादा होते साथ ही भाई चौथे गियर पे अपनी बाइक का गियर डाल देना। सही बता दो, चौथे गियर पे तुरंत डाल देना, टॉप गियर पे डाल देना। टॉप गियर पे डालने से क्या होगा, बाइक आपके अच्छा स्मूथ चलेगी, ठीक है, आपके बाइक के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। थर्ड गियर पे आने के बाद थोड़ा सा लोड आते, जैसे लोड पड़ते हैं ऐसी बात नहीं, बाइक पे पहले गियर पे बाइक क्यों नहीं चलती, पहले गियर पे इसलिए नहीं चलती क्योंकि लोड पड़ता, आपने देखा होगा कि वो नहीं ले पाती। आपको क्या करना, सेकंड होता है, देखो पहला गियर हुआ, पहला गियर हमें हमारे माइंड में ये सेट है 1 से 10 तक की स्पीड पे पहला गियर, ठीक है, दूसरा गियर 2 से लेके 30 तक की स्पीड पे, तीसरा गियर 30 से लेके 50 तक की स्पीड पे, चौथा 50 से लेके 60 तक की स्पीड पे, ठीक है, 50 से 60 तक मतलब 60 से 70 ऐसे में। लेकिन मैं पता है क्या करता हूँ, देखो यार मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ क्योंकि मैं सही बताता हूँ, मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं भाई इतने टाइम के बाद भी आपकी बाइक का एवरेज और मेंटेनेंस क्यों है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार मैं काफ़ी मतलब अच्छी तरह बहुत केयर करता हूँ मैं अपनी चीज़ की, बहुत मैं चाहे कुछ भी हो केयर मैं बहुत करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है क्या करना है, आपको अपनी बाइक को ना डायरेक्ट नहीं कि पहला और चौथा, आपको क्या करना है, आपको दबा मतलब आपको टॉप गियर पे ले आनी है आपकी बाइक, चाहे आपकी बाइक 30 की स्पीड पे भी चल रही हो ना, आप टॉप गियर पे ले आओ अपनी बाइक को, टॉप गियर पे आ जानी चाहिए आपकी बाइक चलते टाइम पे, टॉप गियर पे ले आओ, आप टॉप गियर पे ले आओ। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी लोगों की गलती है भाई, मैंने बहुत लोगों के अंदर ये गलती देखी है कि वो लोग पता है क्या करते हैं, बाइक का जो गियर होता है ना, जैसे आपको पता है यहाँ से लेके आपको 100 मीटर के बाद आपको रुकना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 मीटर के अंदर 50 मीटर के बाद आपको रुकना है, लोग क्या करते हैं क्लच दबा के पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे गियर उतार दिए। भाई ये सबसे बड़ी गलती है, ये कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी मत करो भाई ये गलती। आपको पता आपको 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 पता आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब आपकी आपको कहाँ पर रुकना है, गियर धीरे से उतारो, धीरे से उतारो। इससे क्या होता है आपकी बाइक का जो, एक तो देखो क्लच प्लेट खराब नहीं होती, दूसरा ना ऐसे ही जैसे मैंने बहुत एक बाइक में देखा था, काफ़ी कौन सी थी मैं बताता हूँ, एसपी शाइन, हीरो की एसपी शाइन बाइक थी भाई, उसके जो गियर थे ना वो ऐसे हिलने लग गए अंदर से, जब वो सर्विस सेंटर लेके गया ना वो बोला भाई इसके अंदर की आपने इसको गलत चलाया है, वो सामने वाले पे जो राइडर है उसके ऊपर ब्लेम करने लगा, इसके गियर ना बार बार जल्दी 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 उतार तो आपके इसका येट ख़राब हो गया। उसने बोला भाई ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं हुआ ये वो, जबकि उसकी ये गलती थी, वो करता था ये गलती, मैंने उसको 10 बार टोका है भाई नई बाइक है मत कर, अभी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस मतलब हाल फिलहाल उसको 8-9 महीने हो गए उसकी बाइक को, लेकिन भाई अभी से प्रॉब्लम, भाई पूरा इंजन खुल जाता है, और इंजन खुल गया तो बाइक की, मैं तो ये कहता हूँ बाइक का इंजन खुल गया आधी लाइफ ख़राब है बाइक की, क्योंकि कंपनी अलग तरीके से है, भाई सामने वाला बंदा जिससे हम मैकेनिक से सही करते हैं वो अलग तरीके से, सर्विस सेंटर वाला करता है वो अलग तरीके से करता है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका माइलेज जो भी निकालती है बाइक, आप अपनी बाइक का माइलेज कैसे निकालो कि टॉप गियर पर बाइक चलाया करो, ठीक है, मैं 30 या 40 तक की स्पीड पर चलाता हूँ, मैं टॉप गियर डाल देता हूँ अपनी बाइक में, तो आपको ये काम करना है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज आपको थोड़ा सा जोश में लग रहा हूँ मैं, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमें बस इतना दिमाग नहीं है कि हम खराब करने दे। ओके बाय।